के राघवेंद्र राव ने साल 1980 में मूवी निशाना से एज ए डायरेक्टर बॉलीवुड में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, पूनम ढिल्लो, प्रेम चोपड़ा, असरानी और श्रीराम लागू शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,75,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1,81,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 2,54,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में बिलो एवरेज रही। साल 1982 में इनकी अगली मूवी आई फर्ज और कानून। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, रति अग्निहोत्री, हेमा मालिनी, कादर खान और असरानी शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,35,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 4,75,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 9,95,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपर हिट रही। साल 1983 में इनकी अगली मूवी आई हिम्मत वाला। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, श्रीदेवी, अमजद खान, कादर खान और शक्ति कपूर शामिल थे। ये एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 2,20,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 6,00,00,000 कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 8,00,00,000 कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपर हिट रही। साल 1983 में ही इनकी अगली मूवी आई जानी दोस्त। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, जितेंद्र, परवीन बाबी, श्रीदेवी, कादर खान और असरानी शामिल थे। ये एक एक्शन कॉमेडी क्राइम मूवी थी। इस मूवी का बजट 2,20,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 4,00,00,000 कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 7,75,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सेमी हिट रही। साल 1983 में ही इनकी अगली मूवी आई जस्टिस चौधरी। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, मौसमी चटर्जी, कादर खान और शक्ति कपूर शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा कॉमेडी मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,65,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 4,25,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 8,50,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1984 में इनकी अगली मूवी आई तोहफा। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, जयाप्रदा, श्रीदेवी, कादर खान, शक्ति कपूर और अरुणा ईरानी शामिल थे। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,80,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 4,50,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 8,35,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपर हिट रही। साल 1984 में ही इनकी अगली मूवी आई कामयाब। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, शबाना आजमी, अमजद खान, कादर खान, विजेंद्र घाटके और शक्ति कपूर शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,30,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 65,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 1,05,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1984 में ही इनकी अगली मूवी आई नया कदम। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेश खन्ना, जया प्रदा, पद्मनी कोहलापुरे, श्रीदेवी, कादर खान और असरानी शामिल थे। ये एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,25,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 2,25,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 4,00,00,000 कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1985 में इनकी अगली मूवी आई होशियार। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, जयाप्रदा, शत्रुघ्न सिन्हा, मीनाक्षी शोषाद्री और असरानी शामिल थे। ये एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,40,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने
2,90,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 5,15,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1985 में ही इनकी अगली मूवी आई मास्टर जी। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेश खन्ना, श्रीदेवी, अनीता राज, कादर खान, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी और असलानी शामिल थे। ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,90,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 3,00,00,000 कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 7,77,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1985 में ही इनकी अगली मूवी आई मेरा साथी। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, राजीव कपूर, जयाप्रदा, मंदाकिनी, शक्ति कपूर और अरुणा ईरानी शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,35,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 85,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 1,45,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1986 में इनकी अगली मूवी आई धर्म अधिकारी। इस मूवी के लीड कास्ट में दिलीप कुमार, जितेंद्र, प्राण, श्रीदेवी और कादर खान शामिल थे। ये एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,50,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 2,80,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 5,12,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1986 में ही इनकी अगली मूवी आई सुहागन। इस मूवी के लीड कास्ट में श्रीदेवी, जितेंद्र, पद्मनी कोहलापुरे, राज बब्बर, कादर खान, शक्ति कपूर और असरानी शामिल थे। ये एक रोमांटिक मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,35,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 2,50,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 4,85,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1997 में इनकी अगली मूवी आई मेरे सपनों की रानी। इस मूवी के लीड कास्ट में उर्मिला मातोंडकर, संजय कपूर, मधु, शक्ति कपूर और अनुपम खेर शामिल थे। ये एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 3,50,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 2,92,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 4,35,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2001 में इनकी अगली मूवी आई आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। इस मूवी के लीड कास्ट में गोविंदा, जूही चावला, तब्बू, चंद्रचूर्ण सिंह और जानी लीवर शामिल थे। ये एक कॉमेडी फैमिली ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 5,00,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 6,12,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 8,88,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में बिलो एवरेज रही। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको के राघवेंद्र राव की एज ए डायरेक्टर उनकी सभी मूवीज के बारे में बता दिया। के राघवेंद्र राव की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।